डे जीरो गूंज 2014 जस्ट स्टार्ट हुआ है और आइए देखें क्या चल रहा है। एक इवेंट चल रहा है स्पीक आउट, आइए देखें फन स्टेज की तरफ, आइए चलते हैं फन स्टेज की तरफ, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, रॉयल बफे हब द ऑफिशियल फूड पार्टनर ऑफ गूंज 2014, खाना लग रहा है टेस्टी भी बहुत होगा। सर गूंज 2014 स्टार्ट हो चुका है, हाँ जी सर, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, इस बार हम पिछले पहले से अच्छा गुंजर आ रहे हैं, सिंगर आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। कौन कौन आ रहा है स्टार राइट में? कौन कौन? एमी विर्क आ रहा है स्टार राइट में। एमी विर्क, ओके, इसकी बात दिखी नहीं कहीं पे कि एमी विर्क आ रहा है, कुछ हल्ला वल्ला नहीं हुआ, पब्लिसिटी नहीं हुई? पब्लिसिटी आज से देखना, कल देखना क्या हाल होगा यहाँ पे आज, क्योंकि गूंज अभी स्टार्ट नहीं हुआ, गूंज आज शाम को स्टार्ट होगा। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, शाम को डीजे नाइट है, गूंज शाम से स्टार्ट है, गूंज शाम से स्टार्ट है आज। आप अभी कुछ करवा रहे हैं गूंज में? अभी तो हाँ कुछ नहीं, ये हमारे हॉस्पिटलिटी मेंबर वेले बैठे हैं। यूआईटी की कुछ कमिटीज कर रही हैं यहाँ पे प्रैक्टिस, चल के देखते हैं कि उनकी कैसी हालत है गूंज 2014 के लिए। कितना दिन प्रैक्टिस बाजी? बाजी बहुत बढ़िया चल रही है। गा पाना है उन्हें? गा पाना, उनका चक्कर देना, पक्का चक्कर देना है। फर्स्ट ईयर गूंज पहली बार देख रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। स्टार्ट तो कुछ हुआ नहीं, क्या मजा आ रहा है? यही वेटिंग, वेटिंग में मजा और क्या, बस फीलिंग में ही। मैं तो असम में हूँ तो मुझे पार्टिसिपेट करने में मजा आ रहा है, पार्टिसिपेट करने में। आपको मैम? मिस मैनेजमेंट तो है पर ठीक है, मतलब अभी आज पहला दिन है, 6 बजे तक इट विल बी फाइन, होप सो। ओके यार, स्टार्ट शाम से ही है यार, तुम्हें पता नहीं है? गूंज शाम से ही स्टार्ट होगा, डीजे नाइट इज द फर्स्ट इवेंट, उसके बाद डे स्टार्ट होंगे। तीन रातें दो दिन का इवेंट है गूंज। गूंज 2014 जस्ट स्टार्ट हुआ, आपको कैसा लग रहा है? मतलब कुछ आज कुछ अच्छी फील नहीं आ रही क्योंकि आज शाम से स्टार्ट होएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब और भी बहुत सारे इवेंट्स हो रही है, मैं भी उसमें पार्टिसिपेशन कर रहा हूँ। और मतलब जैसे किस किस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप? मैं आईपीएल ऑक्शन में पार्टिसिपेशन, आईपीएल ऑक्शन में। पता है क्या होता है आईपीएल ऑक्शन में? हाँ, वो टीम खेलने को मिलेगी आपको? हाँ, पहले क्विज होगी उसमें, उसके बाद कुछ पॉइंट्स होंगे, उससे मतलब प्लेयर्स खरीदने होंगे। गूंज 2014 कैंटीन है यूआईटी की, सामान नया नया लगा है सब कुछ, बहुत लोग बैठे हैं पीछे, देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। गूंज 2014 कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। स्टार्ट तो हुआ नहीं, क्या अच्छा लग रहा है? कैंटीन में बैठे हैं, फ्रेंड्स के बीच बैठे हैं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है अभी। नॉर्मल क्लास में भी बैठे हैं यार, हम यहाँ फन कर रहे हैं यार, दिख नहीं रहा है, यू आर नॉट सीइंग व्हाट वी आर डूइंग। आपसे आप से सवाल पूछूं, आप शेव करा के आज कैसा फील हो रहा है आपको इतने दिनों बाद? बहुत अच्छा, कल कराई थी मैंने। गूंज 2014 सर यूआईटी में स्टार्ट हो चुका है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्लासेस लग रही है, मैंने सुना अभी भी क्लासेस लग रही है, बच्चे कह रहे हैं सर क्लासेस क्यों लग रही है? मैं मैकेनिकल में, हमारी क्लासेस नहीं लगती हैं, तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपकी डायरेक्टर से कोई अपील नहीं है कि क्लासेस मत लगाया करो या छुट्टी दे दो प्लीज? हमारी ऐसे दो क्लासेस थी, वो सुबह थी, टाइम निकल चुका है, तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इनको हमेशा अच्छा लगता है सर। अभी आपने इवेंट में पार्टिसिपेट भी किया था किसी? हाँ, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। गूंज 2014 का आगाज हो चुका है और यहाँ हमारे साथ है गूंज के फन इवेंट्स के हेड पंकज। हेलो पंकज। हेलो, आपकी फन इवेंट्स की प्रिपरेशंस कैसी चल रही है? मेरे फन इवेंट्स की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है, आई एम रेडी विद माय ईच एंड एवरी इवेंट, बट कुछ स्टॉल्स प्रॉपरली अभी तैयार नहीं हुए जो मैं अपने इवेंट शुरू कर सकूं अभी तक। टाइम क्या शेड्यूल टाइम था आपके इवेंट्स का? शेड्यूल टाइम आज सुबह 10 बजे का था एंड इट्स ऑलरेडी आई थिंक 3 o'clock, बट अभी तक मेरे इवेंट स्टार्ट करने के लिए मेरे को प्रॉपर स्पेसिंग नहीं मिली है। तो इन्हें प्रॉपर स्पेसिंग नहीं मिल पाई है, तो आपको क्या लगता है कि आपके इवेंट्स कब तक स्टार्ट हो पाएंगे? दे सेड मी बाय 2, जब मैं सुबह ऐसा कहते हैं आज दोपहर को 2 बजे तक हमारे शुरू हो जाएंगे, लेकिन जैसे अभी प्रिपरेशन चल रही है आई एम थिंकिंग कि कल सुबह 10 बजे से पहले इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू स्टार्ट माई इवेंट। तो दिस वॉज द रिस्पॉन्स जो कि हमें मिला है फन इवेंट्स के हेड पंकज से, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इवेंट्स। थैंक यू।